हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवन पे कमीशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट, जो कि सभी CAPF और सभी जो है सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। हम बात करेंगे क्या ये लेटेस्ट ऑर्डर है और इसमें क्या क्या जो है बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और ये बेसिकली स्पेसिफिकली जो है सभी सुरक्षा बलों के लिए है, जिसमें कि BSF, CRPF, ITBP सभी शामिल हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अभी जो अटैक हुआ था पुलवामा में, उसके बाद से जो है गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें कि ये जो स्टेप है ये सभी सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी स्टेप को देखकर उन्होंने जो है जो सुरक्षा बल है उनकी सैलरी जो है बढ़ा दी है, और अब जो है उनको जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बेसिकली इसमें जो है अलाउंस बढ़ाए गए हैं, और अलाउंस जो है बढ़ाने में जो है जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है हर महीने जो 8100 रुपीज़ जो है अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बेसिकली जो कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं जितने भी सुरक्षा बल, जो कि ये जो अलाउंस है वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के अंडर आता है। जो 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 है रिस्क और हार्डशिप वाले काम कर रहे हैं उनको आता है। तो इस रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाया गया और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 8100 जो है हर पर मंथ जो ऑफिसर्स का बेनिफिट है, और जो लोग इंस्पेक्टर रैंक पे हैं उनका पहले जो है 9700 था, अब उसको बढ़ा के जो है 9700 से बढ़ा के 17300 कर दिया गया है। जो इंस्पेक्टर रैंक पे उनका 9700 से बढ़ा के 17300 कर दिया गया। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनका जो है 16000 से बढ़ा के सीधे जो है 16900 से बढ़ा के जो है 25000 कर दिया गया। तो अल्टीमेटली जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, जो कि इन एरिया में काम करने पे जो रिस्क का सामना करना पड़ता है या जो हार्डवर्क करना पड़ता है, उसको जो है मद्देनज़र तो इसको बढ़ाया गया है। और इसमें जो है कश्मीर के काफ़ी और एरियाज़ भी शामिल किए गए हैं, जहाँ पे जो CAPF के लोग काम कर रहे हैं उनको जो है जो पे मैट्रिक्स में उनको जो है बढ़ोतरी की गई है, जो कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है। इसमें जो है इन्होंने साउथ कश्मीर को भी जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली अब जो है जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है इन सब एरियाज़ में जो है बढ़ावा मिलेगा। और हर मंथ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ऑफिसर्स हैं उनको 8100 का, और बाकी इंस्पेक्टर रैंक पे जो है जो पहले 9700 मिलता था अब उसको जो है 17300 तक कर दिया गया है। और ऑफिसर्स को पहले जो है 16900 मिलता था अब उसको बढ़ा के 25000 कर दिया गया है। तो बेसिकली ये जवानों के लिए और जो भी CAPF में काम कर रहे हैं, जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद से जो है और जो है सुरक्षा बलों की जो है सुरक्षा करने के लिए जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। और ये जो है सभी जो भी CAPF में काम कर रहे हैं, जो भी सुरक्षा बल हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।